नमस्कार दोस्तों, देखिए सीपी प्लस का डीवीआर है ये, देखिए इसका पासवर्ड कस्टमर भूल गया है। ये देखिए इसका मॉडल है और आप इसका हर एक पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। डीवीआर में दोस्तों एक पिन होता है, इसको शॉर्ट करके तो फटाफट आपको दिखाते हैं। देखिए इसका पासवर्ड भूल गया है तो इसको पूरा रीसेट करना है। देखिए तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखिए दोस्तों इसका सप्लाई हम बाहर निकाल देंगे और सारा लीड वगैरह भी निकाल देंगे बाहर। उसको देखिए दोस्तों ये जो जो J7 लिखा है पिन, इसको चिमटी की सहायता से दोनों को शॉर्ट रखना है और शॉर्ट करने के बाद इसमें देखिए सप्लाई का पिन करना है और वेट करना है। बीप का साउंड आने के बाद दोस्तों इसको हमको निकाल लेना है। अब उसके बाद हम इसमें देखिए वीडियो और लिंक HD माइक केबल इन करते हैं टीवी में। तो दोस्तों देखिए हमारा DVR ऑन हो रहा है, चालू हो रहा है और ये रीसेट भी हो जाएगा। बस वेट करिए, बस इसी पिन को, J7 पिन था दोस्तों, उसको हमने शॉर्ट करके रखा था और सप्लाई इन किया है और देखते हैं इसको पूरी तरह से ऑन हो रहा है अभी। उसके बाद आपको चेक करके दिखाएंगे यह रीसेट हुआ कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा DVR रीसेट हो चुका है और देखिए इसका हमारा देखिए प्लेलिस्ट इस तरह का होता है दोस्तों। तो आप ये इसका PCB देख लीजिएगा, इसी मॉडल का PCB रहेगा। तो दोस्तों इसको आसानी से इस तरीके से यहाँ पे टच करके J7 पिन पे, दोस्तों देखिए J7 पिन है यहाँ पे, इन्हीं दोनों को आपस में शॉर्ट करके हमको रीसेट कर लेना है और उसके बाद पूरा ये जो इंस्टॉलेशन सिस्टम आता है इसको फिर से आपको करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ से हम कंट्री सेट कर लेंगे, इंडिया इंग्लिश ही रहने दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट और यहाँ पर देखिए आ गया पासवर्ड सिस्टम। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए, तो हम यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दे रहे हैं। एडमिन 1 2 3 4। तो दोस्तों कंफर्म पासवर्ड भी इसको लिख देते हैं, एडमिन 1 2 3 4। और यहाँ से देखो नष्ट करते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे दोस्तों पैटर्न भी हम इसको सेट कर लेते हैं, कंफर्म करेंगे फिर से और हम उसको ओके कर देंगे। इसमें दोस्तों कुछ भी लिख दीजिए जो आपको याद रहे, ABC। इसमें दोस्तों अपने हिसाब से जो याद रहे वो चीज़ भर सकते हैं। फॉर्मेट एरर बता रहा है, तो हमारा रिसेट हो चुका है। आप सेट कर लीजिएगा।